वायरस का इंट्रोडक्शन और वायरस के शेप्स के बारे में समझे थे। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे वायरस का क्लासिफिकेशन। वायरस के क्लासिफिकेशन को तीन भागों में बांटा गया है, फाइटोफैजिनिक, जूफैजिनिक और फैजिनिक। जो फाइटोफैजिनिक होता है वो वायरस क्या करता है, प्लांट को इन्फेक्ट करता है, यानी फाइटो मींस क्या होता है, प्लांट। तो जूफैजिनिक जो होता है वो एनिमल को इन्फेक्ट करता है वायरस। जो फैजिनी होता है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। उसके बाद फिर से हम उसको जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, फाइटोफैजिनी, जूफैजिनी और फैजिनी। फाइटोफैजिनी, जूफैजिनी, फैजिनी। फाइटोफैजिनी, जूफैजिनी, फैजिनी। जो फाइटोफैजिनी होता है वो क्या करता है, वो प्लांट को इन्फेक्ट करता है वायरस। वायरसेस इन्फेक्टिंग प्लांट। जो जूफैजिनी है वो एनिमल को इन्फेक्ट करता है। वायरसेस इन्फेक्टिंग एनिमल। और ये जो फैजिनी है, वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। जो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा वायरस उसको हम लोग फाइटोफैजिनी कहेंगे, और जो एनिमल को इन्फेक्ट करेगा वायरस उसको हम लोग जूफैजिनी कहेंगे, और जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा वायरस उसको हम लोग फैजिनी के नाम से जानेंगे। फिर इसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे इसको क्लासीफाई करेंगे। तो जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे इसको क्लासीफाई करेंगे तो दो भागों में इसको बांटेंगे, डीऑक्सीराइबोवायरसेस और राइबोवायरसेस। और इसमें देखेंगे कि कौन सा वायरस जो है डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है, कौन सा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, कौन सा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, कौन सा डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, कौन सा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। तो चलिए इसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे डिस्कस करते हैं। On the basis of genetic material, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसको दो भागों में क्लासिफाई करेंगे, डीऑक्सी राइबोवायरसेस और दूसरा जो होगा राइबोवायरसेस। डीऑक्सीराइबोवायरसेस जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, वो मोस्टली एनिमल में ही पाया जाता है, लेकिन कुछ इसमें अपवाद भी है जो प्लांट में भी पाया जाता है। इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसा क्या होता है, डीएनए होता है। लेकिन राइबोवायरसेस में क्या होता है, ये हमेशा क्या है, मोस्टली ये प्लांट में ही पाया जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जो कि एनिमल में पाए जाते हैं, और इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो चलिए डीऑक्सीराइबोवायरसेस
इसको दो भागों में फिर क्लासिफाई करेंगे। एनिमल पहले जान लें कि ये क्या होता है, ये पहले मैं नोट करा दूं। इसमें क्या होता है, मोस्टली एनिमल वायरसेस, एनिमल वायरसेस। और क्या होता है इसमें, वायरसेस डीएनए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल। फिर इसको दो भागों में क्लासिफाई करेंगे, एक तो एनिमल एनिमल डीएनए वायरसेस, फिर प्लांट डीएनए वायरसेस वायरसेस। इसमें क्या होगा, एनिमल डीएनए वायरसेस और प्लांट डीएनए वायरसेस। लेकिन इसमें तो हम बोले थे कि क्या मोस्टली क्या होता है, ये एनिमल में ही पाया जाता है। लेकिन क्या है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है जो कि प्लांट में भी पाया जाता है डीएनए। और इसमें क्या है, इसमें पहले जानेंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। और प्लांट डीएनए वायरसेस में हमारा ये कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस आ जाएगा, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरसेस वायरस, जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसमें हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए में T2, T4, T6, T7 बैक्टीरियोफेज आ जाएंगे, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियोफेज। और पॉक्स वायरसेस, पॉक्स वायरसेस। और इसमें हर्पीस वायरसेस, हर्पीस वायरसेस, हर्पीस वायरसेस। T2, T4, T6, T7 बैक्टीरियोफेज है, तो इसमें जो T होता है वो टाइप को रिप्रेजेंट करता है, और 2 जो है वो 2 की मतलब पहले ये खोजा गया टाइप 2, टाइप 1 खोजा गया, टाइप 2 खोजा गया, और डिस्कवर को वो डिस्कस करता है। जैसे कि टाइप 2 यानी दूसरे नंबर पे इसको खोजा गया, तो इसको T2, T4, T6, T7 के नाम से इसको जानते हैं। जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसमें आ जाएगा हमारा 5x174 बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। और 5x3 कॉलियोफेज, कॉलियोफेज, कॉलियोफेज। तो डीऑक्सीराइबो वायरसेस में क्या होता है, मोस्टली एनिमल में पाया जाता है, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन भी होता है, अपवाद भी होता है, जो कि प्लांट में भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। और एनिमल डीएनए वायरसेस में हमारा T2, T4, T6, T7 बैक्टीरियोफेज आ जाएगा, पॉक्स वायरसेस आ जाएंगे, हर्पीस वायरसेस आ जाएंगे। और प्लांट वायरसेस में क्या होगा, प्लांट वायरसेस में ये कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है, जो इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में 5x174 बैक्टीरियोफेज और 5x3 कॉलियोफेज वायरसेस पाए जाएंगे। अब हम समझेंगे राइबोवायरसेस, राइबोवायरसेस, अब हम समझेंगे राइबोवायरसेस।
राइबोवायरसेस। राइबोवायरसेस उसको फिर वैसे ही दो भागों में डिवाइड करेंगे। प्लांट ये क्या होगा, मोस्टली प्लांट वायरसेस। प्लांट वायरसेस और इसमें क्या होगा, इसका जो होगा वायरसेस आरएनए जेनेटिक मटेरियल। प्लांट आरएनए वायरसेस, प्लांट आरएनए वायरसेस, एनिमल आरएनए वायरसेस, एनिमल आरएनए वायरसेस। इसमें क्या होगा, फिर इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए में क्या क्या आ जाएगा, रियो वायरसेस आ जाएंगे और इसमें राइस ड्वार्फ वायरसेस मेज ड्वार्फ वायरसेस इसमें क्या होगा, इस रियो वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। राइस ड्वार्फ वायरसेस मेज ड्वार्फ वायरसेस इन सब का क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में हमारा आ जाएगा टीएमबी क्यूबी बैक्टीरियोफेज क्यूबी बैक्टीरियोफेज टर्निप येल्लो मोज़ेक वायरस। इसमें क्या हुआ, टीएमबी और क्यूबी बैक्टीरियोफेज और टर्निप येल्लो मोज़ेक वायरस का ये जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। लेकिन हम बताए थे कि क्या इसमें इसका मोस्टली क्या होगा, ये प्लांट वायरसेस में ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ इसमें अपवाद भी है जो कि एनिमल में भी आरएनए वायरसेस पाए जाते हैं, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो चलिए इसमें क्या हो गया, इसमें हमारा आ जाएगा पोलियो वायरसेस वाउंड सार्कोनेमा वायरसेस एड्स वायरसेस इन सब का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो राइबोवायरसेस क्या है, मोस्टली प्लांट वायरसेस है और इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और इसको प्लांट आरएनए वायरसेस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में क्लासिफाई किया है। तो जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है उसमें रियो वायरस, राइस ड्वार्फ वायरसेस, मेज ड्वार्फ वायरसेस इन सब में क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में टीएमबी और क्यूबी बैक्टीरियोफेज और टर्निप येलो मोज़ेक वायरस
आ जाएंगे और एनिमल आरएनए वायरसेस में पोलियो वायरसेस और वाउंड सार्कोनेमा वायरसेस एड्स, ये क्या है, इन सब का जेनेटिक मटेरियल सिंगल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो आज के वीडियो में हम समझे वायरस का क्लासिफिकेशन। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।